हेलो जी। हेलो। तो ना उम्मीद है सब बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, एक ना बहुत सर बहुत डाउट आ रहा है बच्चों को, बड़ा ज़्यादा। मतलब कल मैं भी संजीवनी बूटी सीरीज में था और आपको भी पूछ ही रहे होंगे बच्चे। इस टाइम दिसंबर में ना बच्चों के एग्जाम बीकॉम के साथ, एमकॉम के साथ, एलएलबी के साथ ना क्लैश हो रहे हैं। तो वैसे तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा क्लैशिंग है। तो आज जितना हम लोगों को, मतलब ये हमारा ओपिनियन होगा जो भी होगा, आप अपना बेस्ट जजमेंट आप खुद ले सकते हो, अपनी प्रूडेंट जजमेंट खुद लोगे। बट मैं चाहता हूं कि कुछ जो आप पे क्वेश्चंस हैं वो विवेक सर तक पहुंचाए जाए। तो सर, जैसे ना बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है कि अभी हमारे एग्जाम है ना, सेम डेट वाले दिन भी क्लैश कर रहे हैं या कुछ दिन पहले है बीकॉम के, एलएलबी के, तो क्या करना चाहिए? मतलब आप अपनी गाइडेंस दो बच्चों को एक बार। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने ना अभी कहा कि बच्चों के बहुत जोर से डाउट आ रहे हैं, तो कितनी जोर से आ जोर से रहे नहीं आ रहे, बच्चा ना अपना फोकस नहीं कर पा रहा। मतलब लाइक वो कह रहा है कि मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, बट मेरे को ना डायलेमा हो रहा है कि मैं बीकॉम का दूं, सीएस का दूं, किसका दूं। तो ये जोरों से आ रहा। तो देखो जी, मतलब मैं सर, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मतलब अगर मेरे एग्जाम ऐसे होते, मतलब अगर क्लैशिंग हो रही होती, मतलब मेरा मेन पर्पस ये है, या जितने भी फैमिली के बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, आप पहले ये चेक करो कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस लेवल की है। मतलब देखो, अगर आपका बीकॉम का फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप सीएस के एग्जाम को प्रायोरिटी लेके चलो, क्योंकि वही हमें डिग्री अगर मिल जाएगी तो उस टाइम बीकॉम की वैल्यू भी नहीं होती आगे बिल्कुल जाकर। बिल्कुल सही बात। बट अगर आपका बीकॉम लास्ट ईयर है, मतलब लास्ट सेमेस्टर, आपको लग रहा है कि सर मेरे को डिग्री मिलने वाली है, और आपको लग रहा है कि सीएस की तैयारी भी आपकी उस लेवल पे नहीं है, वैसे अपने को मतलब तो सबको पता लग ही चुका होगा अब तक कि हम कितने पानी में हैं। सर देखो, 20 20 दिन हमारे एग्जाम के बचे हैं, तो 20 दिन आपके एग्जाम के बचे, आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि किस लेवल की तैयारी आपने कम से कम 2 3 बार रिवीजन की है, नहीं की, टेस्ट सीरीज दी है नहीं दी, वो सारी बातें आपको आइडिया होंगी। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर, मैं इस बार सीएस की बहुत बढ़िया तैयारी कर चुका हूँ और हमने पूरा एफर्ट्स लगाया है, तो फिर तो विदाउट एनी थॉट आप सीएस की तरफ ही जाओ। आप बीकॉम को फिर एक बार छोड़ दो, कोई बात नहीं, 1 साल के बाद डिग्री मिलेगी, चल जाएगा। सीएस की डिग्री मिलना मस्ट है, बट फिर बोलूंगा वो तब, अगर आपकी सीएस की तैयारी बहुत बढ़िया लेवल पे चल रही है। अगर आपको लग रहा है सर मेरे 2 3 पेपर ही पड़े हैं अभी, अभी मैंने रिवीजन भी नहीं की है, मेरा क्लासेस भी कंप्लीट नहीं हुई अभी तो, और मेरे 20 दिन के बाद एग्जाम है, तो फिर बीकॉम की डिग्री पहले ले लो, उसको हमें बिना बात का डिले क्यों करना है। फिर आप इस अटेम्प्ट को छोड़ के आप जून में एग्जाम दे सकते हैं। तो सर मेरा थॉट ये है, बाकी आप बताओ इसके अंदर और हम क्या एडिशन कर सकते हैं। सर मेरा भी ना ऑलमोस्ट सिमिलर थॉट है, बस एक बात ऐड ऑन है। पता है सर, एक ना मोमेंटम होता है। मतलब अभी जैसे बच्चा रिवीजन कर रहा है, उसको ऐसा लगता है कि मैं सिंगल ग्रुप दे रहा हूँ बट जून में दोनों दे दूंगा रिवीजन करके। शायद अभी मैं सिंगल कर रहा हूँ बट जून में दोनों करके दे दूंगा, अभी पहले बीकॉम दे देता हूँ। इन केस अगर आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, बट ये भी ध्यान रखना है कि ना मोमेंटम होता है, एक पीरियड होता है जो आप अभी चल रहे हो हमारे साथ रिवीजन के साथ, अभी बैच पूरा हुआ है तो एक जोश है अंदर। बट वो दो के चक्कर में ना, फिर मुझे लगता है वो मोमेंटम टूट जाएगा फिर आपका। फिर वो दोबारा से बुक उठाने में ना थोड़ा सा एक बोरियत फील होती है, नेगेटिविटी आती है। तो इस मोमेंटम में निकाल जाओ। और इस बार तो सबने इतनी मेहनत कर रखी है, आप लोगों ने भी इतनी मेहनत की है कि मैं कह रहा हूँ कि इस बार तो डेफिनेटली पास हो जाओगे। तो यही एक एनालिसिस करना चाहेंगे। कुछ आपको और ऐड करना है तो बताओ सर। नहीं, बिल्कुल सर, और आई थिंक आपको फाइनल पिक्चर, देखो फाइनल तो आपने ही डिसाइड करना है, मतलब हम तो सिर्फ आपको ओपिनियन बता सकते हैं कि हमारा ओपिनियन क्या है। तो मैं लास्ट क्रक्स आपको बताने जा रहा हूँ, जो बच्चे कहते हैं सर क्रक्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो क्रक्स आपका ये निकल के आ रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि सीएस की तैयारी आपकी अच्छे लेवल पे है, तो आप सीएस को ही लेके चलो, बीकॉम का बाद में लेके चलो। अगर आपको लग रहा है कि सर हमारा फाइनल ईयर है और सीएस की भी तैयारी हमारी ओके ओके है, तो फिर पहले बीकॉम की डिग्री ले लो, फिर सीएस की डिग्री को आप जून के लिए आप डेफर कर सकते हो, ये हमारा थॉट है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा आप आइडेंटिफाई करो, 20 दिन आपके पास पड़े हुए हैं। हाँ, क्लैशिंग देखो हर बार होती ही होती है, इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, ये हर बार बच्चों की प्रॉब्लम आनी है, और वो ऑब्वियस बात है, पहले से पता भी होता है कि क्लैशिंग होने वाली है, तो आई थिंक उस लेवल का माइंड हमारा प्रिपेयर पहले से ही होता है। ठीक है, अब 20 दिन के बाद आपके एग्जाम है, मैं ये कहूंगा कि सीएस से ऊपर ऑब्वियस बात है कुछ भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है तैयारी बेस्ट चल रही है, तो ठोक दो इस बार सीएस के एग्जाम और बहुत बढ़िया एग्जाम देके आओ, फिर बीकॉम का अपना 6 महीने के लिए आप डेफर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप सर ये हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलो ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।